हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद आरएस। सो आज आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि मल्टी पैकेट स्टॉक हो सकता है, कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो जिसकी हम आज बात करेंगे कि जिसका जो करंट प्राइस है वो है 729, 739 रुपये का प्राइस चल रहा है इस समय, और इसकी जो मार्केट कैपेसिटी है वो है 511 करोड़ की, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.15% जो इसने लास्ट टाइम दी थी, और इस पर जो डेप्थ है, डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है अभी, पर प्राइस के हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं है, 3.54। दोस्तों इसका पी ओ रेशियो है 0.12 और पी बी रेशियो है 6.19, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू है 64.03। सो दोस्तों इसकी हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो उसका जो 2022 में कम हुआ है, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी ना वो भी कम हुई है, और ये जो स्टॉक था उसका मैं आपको प्राइस बताता हूँ, आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ पिछले एक साल का, जो एक साल का चार्ट है जिसमें कंपनी का प्राइस एकदम गिर गया था, और पिछले 5 साल का चार्ट दिखाऊँ तो ये प्राइस है। तो इसका अगर हम प्राइस देखें तो 6000 के ऊपर प्राइस है, 6000 के ऊपर प्राइस है, और जब ये कंपनी द्वारा अपने बेस प्राइस पे जाएगी, मतलब 6000 पे जाएगी, तो आप रिटर्न सोच सकते हो कि कितनी रिटर्न होगी। अभी कंपनी ने ग्रोथ करना फिर से शुरू किया है, तो अभी जब कंपनी ग्रोथ कर रही है, अब मान लीजिए देखिए कि 700 की कंपनी 739 रुपये का प्राइस जब 6000 में जाएगा तो कितने परसेंट रिटर्न होएगी, आपको देख कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए इसको मल्टी बैगर स्टॉक कह सकते हैं। ये स्टॉक फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, अपने फाइनेंशियली आपको जितनी भी परमिशन मिलती है कि आपका फाइनेंस जो सपोर्ट करता है कि आप कितने शेयर खरीद सकते हो, तो जल्दी से जल्दी जब भी आपको सही लगे ज़रूर खरीदें। इसकी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट इसका है जो मार्च 2022 में आया था वो सब 4291 करोड़ का, और जो अभी जून में चल रहा था वो था 146 करोड़ का था। तो ईयरली प्रॉफिट देखते हैं, इसका जो ईयरली प्रॉफिट था वो 2022 में अभी तक बन रहा है 4226 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अब इतने प्रॉफिट में गई है तो उसका शेयर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है, अगर आप शेयर बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करें। शेयर होल्डर के बारे में भी इसके देख लेते हैं, प्रमोटर के पास जो 73% हैं, 73% जो शेयर हैं वो प्रमोटर के पास है। ये हम भी देखते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास शेयर होल्डर होते हैं तो कंपनी पे उनका होल्ड होता है, वो कंपनी को गिरने नहीं देते और कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करती है। सो मैं तो दोस्तों आपको यही एडवाइस करूँगा कि अपने फाइनेंशियली, आपको जो भी फाइनेंशियली जितनी परमिशन देता है तो इस स्टॉक को ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। सो इसका मैं नाम बताऊँगा, फोर्बिस एंड कंपनी, इसको इस स्टॉक का जो नाम है वो है फोर्बिस एंड कंपनी, हाउस होल्ड रेबल का जो शेयर है। तो आपका जो भी फाइनेंशियली परमिशन देता उसके हिसाब से इसको शेयर को खरीदना शुरू करें, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों एक लास्ट में एक और एडवाइस है कि ये वीडियो आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, खरीदने से पहले आप खुद शेयर पर पूरी तरीके से स्टडी करें अपने बेस पर, और उसके बाद ही खरीदें। थैंक यू सो मच।